आज का जो हमारा इंटरेस्टिंग फूड है वो बनाना नहीं है, वो है बनाना स्किन, केले का छिलका। मैंने अभी केला खाया है और इसका छिलका संभाल के रखा है क्योंकि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। मैं हर बारी केला खाने के बाद ये चीज़ें फॉलो करती हूँ। ये वीडियो देखने के बाद आई एम श्योर आप भी ये चीज़ें फॉलो करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो जो मैं लेके आई हूँ ये मेरी कॉलेज टाइम की एक नोटोरियस मेमोरी से रिलेटेड है। मैं वो मेमोरी आपके साथ शेयर करती हूँ। जब मैं कॉलेज में थी तो मेरी एक लड़की के साथ अक्सर अनबन रहती थी। एक दिन केला खाते हुए मैंने केले का छिलका उसके पैरों के पास गिरा दिया, ये सोच के कि वो गिरेगी और बहुत मज़ा आएगा। वो आगे बढ़ी, गिरी, हम सबको बहुत मज़ा आया। पर जब मैंने न्यूट्रिशन का कोर्स करा तब मेरे को रियलाइज़ हुआ, ओहो ये मैंने क्या कर दिया। उसके गिरने से मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, केले का छिलका वेस्ट कर दिया मैंने। फ्रेंड्स, इससे पहले हम इस इंटरेस्टिंग वीडियो में आगे बढ़े प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के साथ में ही एक छोटा सा बेल बटन है, उसको ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। एंड प्लीज़ लाइक कमेंट, क्योंकि एक वीडियो बनाने के लिए हम उस पर पहले रिसर्च करते हैं, देन स्क्रिप्ट, देन एडिटिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, वी टेक गुड टाइम ताकि हम एक अच्छा प्रोडक्ट, एक अच्छा आउटपुट आप तक पहुँचा सके। सो एटलीस्ट सब्सक्रिप्शन तो बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा इंटरेस्टिंग फूड है वो बनाना नहीं है, वो है बनाना स्किन, केले का छिलका। मैंने अभी केला खाया है और इसका छिलका संभाल के रखा है क्योंकि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। मैं हर बारी केला खाने के बाद ये चीज़ें फॉलो करती हूँ। ये वीडियो देखने के बाद आई एम श्योर आप भी ये चीज़ें फॉलो करेंगे। केला की स्किन सबसे अच्छा होता है हमारी स्किन के लिए। सो अगर आपको स्किन की कोई प्रॉब्लम है जैसे कि बग बाइट, इचेस, या आइज़ के नीचे स्वेलन हो, सोल हो जाता है, आइज़ के नीचे पफिनेस हो जाना, सूज जाना, या अगर आपके स्किन में पिंपल्स हो गए हैं, उनके निशान हैं, सो आपको क्या करना है, बस आप केले के पीसेस को छोटा छोटा काटिए और अपने स्किन के ऊपर उसे रब करें। सो मैंने ये लिया केले का छिलका, इसको आप अपनी स्किन के ऊपर ऐसे रब कीजिए फॉर 5 to 10 minutes, जहाँ पे भी आपके एक्ने स्कार्स हैं या आप अपने पूरे फेस पे, नेक पे, अच्छे से इसको बॉडी पे भी यूज़ कर सकते हैं एज अ मॉइस्चराइज़र। 10 minutes के बाद इसको छोड़ दीजिए एंड देन वॉश इट विथ प्लेन रनिंग वाटर। आप खुद नोट करेंगे कि आपकी स्किन थोड़ी ब्राइट हो गई है, जो एक्ने स्कार्स थे वो थोड़े से लाइट होने शुरू हो गए हैं और जो आइज़ के नीचे पफिनेस है वो कम हो गई है। पफिनेस कैसे ठीक होती है, ऐसे ही आपने पीस लिया केले के स्किन का और उसको अपनी आइज़ के ऊपर ऐसे रखना है, बस उसको 10 टू 15 मिनट्स के लिए रखिए एंड रिलैक्स फॉर दैट टाइम। यू विल ऑब्जर्व द चेंजेस इन योरसेल्फ सून। नेक्स्ट स्किन का बेनिफिट है विच इज़ रिलेटेड टू योर टीथ। जो नेचुरल प्रैक्टिशनर्स होते हैं, जो नेचुरोपैथी में डील करते हैं, वो इस चीज़ पर क्लेम करते हैं कि केले के स्किन में एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटीज़ पाई जाती हैं जो कि आपके टीथ को और गम्स को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। इनफैक्ट स्टडीज़ में ये भी दिखाया गया है कि अगर आप केले के स्किन को रोज़ 1 week के लिए अपने टीथ पे रब करेंगे तो आपके गम स्ट्रॉन्ग होंगे और आपके टीथ वाइट हो जाएंगे। सो आई गेस वी कैन गिव इट अ ट्राई। इसको ट्राई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ज़रूर कर सकते हैं, कोई कॉस्ट नहीं है इसका, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको हेडेक की बहुत ज़्यादा कंप्लेंट रहती है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माइग्रेन, पर अगर नॉर्मल सर दर्द की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है तो भी केले का छिलका इज़ अ ब्लेसिंग फॉर यू। आप क्या कर सकते हैं, आपने छिलका लिया, इसको फ्रीज़र में रखा थोड़ी देर के लिए, जब ये फ्रीज हो जाएगा तो एक पीस लॉन्ग पीस को लेके अपने फोरहेड पे रखना है और एक पीस को अपने बैक ऑफ नेक पे रखना है और उसके बाद थोड़ी देर के लिए आइज़ क्लोज करके लेट जाना है। जो ये स्किन है, इस स्किन के अंदर बहुत न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। इट इज़ वेरी गुड इन विटामिन B6, B12, फाइबर, प्रोटीन, मैग्नीशियम एंड पोटाशियम। ये सारे न्यूट्रिएंट्स मिलके हमारे टीथ को, हमारी स्किन को, हमारी स्लीप को, हमारी हेल्थ को, इन सबको इम्प्रूव करते हैं। आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ फ्रेंड्स। जो स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज़ भी होते हैं वो भी जब ब्रेक लेते हैं सो दे प्रेफर ईटिंग 1 to 2 बनाना एट अ टाइम ताकि उनको इंस्टेंट एनर्जी मिल सके। तो एक छोटी सी एडवाइस मैं उन्हें भी देना चाहूँगी कि जब भी आप, क्योंकि इतने हेक्टिक स्केड्यूल में हो
तो जब भी आप ऐसे बनाना खाएं तो उसी वक्त थोड़ी देर के लिए अपने आप को रिलैक्स करने के लिए एक पील अपने आइस पे रखें, एक फोरहेड पे और एक बैक ऑफ नेक, थोड़ी देर के लिए इसे, बट यू विल फील रिलैक्स। केले का बेनिफिट है, केले के स्किन का भी बहुत बेनिफिट है, और जब ये दोनों को आप एक साथ लेंगे सो जस्ट इमेजिन योर बॉडी विल फील सो हेल्दी। केले के स्किन को अक्सर कुछ कंपनीज एज एन इंग्रेडिएंट भी यूज़ करते हैं अपना हेयर मास्क बनाने के लिए। इसका मतलब हम इस पील को अपने हेयर को इम्प्रूव करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या करें, आपने केले के छिलके को पीसेस में कट करा, ब्लेंड करा, यू कैन ऐड एनीथिंग, आप उसमें कर्ड डाल सकते हैं, आप उसमें एग डाल सकते हैं, ये चीज़ें ऐड कीजिए, उसका पेस्ट बनाइए एंड अप्लाई ऑन योर हेयर फॉर स्मूथ, सिल्की, शाइनी एंड हेल्दी हेयर। एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट, यूजुअली जब हमारे सिल्वर वेयर्स, सिल्वर ऑर्नामेंट्स जब डार्क हो जाते हैं सो हम ज्वेलर्स के पास जाते हैं। एक बारी आप उनको केले के पील से भी रब करके देखिए, क्योंकि कुछ एक्सपेरिमेंट्स ने शो करा है जब भी आप अपने सिल्वर ऑर्नामेंट्स को या सिल्वर प्रोडक्ट्स को स्किन से, केले की स्किन से रब करते हैं सो उनमें भी एक शाइन और ग्लो आता है। इनफैक्ट नॉट ओनली सिल्वर, कई लोग लेदर के शूज़ पे भी ये रब करते हैं ताकि उनके शूज़ शाइन कर सकें। सो गिव इट अ ट्राई वंस। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट बात बताती हूँ। हार्ट डिजीज़ एक बहुत कॉमन रीज़न है डेथ का। इंडिया में बहुत केसेस देखे जाते हैं जिनकी डेथ हुई है बिकॉज ऑफ हार्ट इश्यूज़। बनाना एक ऐसा फ्रूट है विच हैज़ गुड अमाउंट ऑफ पोटाशियम, और पोटाशियम एक ऐसा मिनरल है जो कि आपके हार्ट को स्ट्रॉन्ग करता है और आपके बीपी को नॉर्मल लाने में हेल्प करता है। ऑलमोस्ट एक बनाना में 0.4 ग्राम पोटाशियम पाया जाता है, और हमारी साइंस की स्टडीज़ कहती हैं कि ऑलमोस्ट अगर आप एक दिन में 1.4 ग्राम पोटाशियम लेते हो सो आप 26% रिस्क कम कर देते हो हार्ट डिजीज़ होने का फ्यूचर में। सो आई गेस इस बात को सुन के यू फील मोर मोटिवेट कि हाँ, मेरे को बनाना खाना चाहिए। एक नहीं, दिन में एटलीस्ट 2 बनानाज आर वेरी हेल्दी फॉर यू। केला खाओगे तभी तो केले का छिलका बचेगा, और फिर उसी से ही तो बाकी बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट, आजकल के बहुत हेक्टिक स्केड्यूल में नींद ना आना हम सबके लिए एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। उसके लिए यूजुअली हम नींद की दवाइयाँ लेने जाते हैं। एक बारी आप बनाना पील ट्राई कीजिए। व्हाट यू कैन डू इज दिस, बनाना पील की चाय बनती है। सो आप पानी लीजिए, टेक अ पैन, उसमें एक ग्लास गर्म पानी एंड ऐड सम बनाना पील्स, ऐड लिटिल बिट ऑफ हनी एंड लिटिल बिट ऑफ सिनेमन टू गिव इट अ टेस्ट, और उसके बाद सिर्फ 1 या 2 उबाले दीजिए। हम अपनी चाय की तरह, इंडियन चाय की तरह, बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करना उसे, 2-3 बॉयल्स दीजिए, और स्पेशली सोने से थोड़ी देर पहले इसे पीजिएगा। इसमें कैफीन नहीं है सो ऐसा नहीं है कि इसको पीने के बाद नींद नहीं आएगी। एंड दिस पील गिव्स यू अ साउंड स्लीप, क्योंकि एज आई टोल्ड यू इसमें मैग्नीशियम है, इसमें पोटाशियम है। मैग्नीशियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको नींद नहीं आती सो यू नीड मैग्नीशियम, एंड दिस टी विल गिव यू अ साउंड स्लीप। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। Try these tips once and wait for my next video. So, इसके साथ ही हमारा आज का ये वीडियो ख़त्म होता है। फ्रेंड्स, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं प्लीज़ आस्क मी, नीचे कमेंट्स बॉक्स में पूछिए मुझसे। आई डेफिनेटली आंसर देम, आई ट्राई टू आंसर देम इन अ डे। अगर मैं नहीं कर सकी तो कपल ऑफ डेज में फॉर श्योर आपको आंसर मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सायोनारा।